इस लेक्चर में अब हम ट्राई करेंगे कैसे आप पीसी को असेंबल करते हैं और इंशाल्लाह पूरी पीसी असेंबल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक बात आप समझ लें कि ये ओल्ड मशीन को असेंबल करने हम जा रहे हैं, ये मशीन डिसअसेंबल हो चुकी है और फ्री असेंबल हो रही है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिसे पहले असेंबल किया जाता है फिर कैबिनेट में फिक्स किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान में रखने की है, जो भी टेस्ट करने हो कैबिनेट्स में फिक्स करने से पहले वो टेस्ट कर लेना ज़रूरी है। कुछ बेसिक टेस्ट है और फिर कंप्लीट टेस्ट होता है पीसी का। तो बेसिक टेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है कि प्रोसेसर, रैम, पावर सप्लाई पहले कनेक्ट की जाए और मॉनिटर को अटैच करके डिस्प्ले देखने की कोशिश की जाए, डिस्प्ले देखा जाए। वंस अगर हमको डिस्प्ले आ जाता है तो इसका मतलब ये चारों पार्ट्स, मदरबोर्ड, रैम, प्रोसेसर, पावर सप्लाई प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं। तो बेसिकली जब हम असेंबलिंग सीखेंगे तो बेसिकली सबसे पहले हमें चार पार्ट को अटैच करेंगे और किस तरह से चार पार्ट को अटैच किया जाता है उसको सीखेंगे। उसके बाद अदर पार्ट्स को हम लोग अटैच करेंगे विदाउट कैबिनेट में अटैच किए हुए, सारे पार्ट्स को बाहर ही हम अटैच करेंगे। फिर एक बार पूरा डेमो बाहर देख लेंगे, कैबिनेट से बाहर देखेंगे और उसके बाद सारी चीज़ों को कैबिनेट में अटैच कर देंगे। वैसे भी मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, रैम प्रोसेसर और फैन को मदरबोर्ड पे पहले अटैच करना है कैबिनेट में फिक्स करने से पहले। एक बात ध्यान में रखें कि मदरबोर्ड को कैबिनेट में फिक्स करने से पहले उस पर रैम, प्रोसेसर और फैन को अटैच करना ज़रूरी है। अब किस तरह से फिक्स किए जाते सारे पार्ट्स, कैसे इंस्टॉल किए जाते उसका डेमो अभी हम लोग देख रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इजीली आराम से इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हम प्रोसेसर को देखते हैं। ये प्रोसेसर है मेरे सामने, ये कोटरियो प्रोसेसर है। प्रोसेसर को जब हम फिक्स करने की कोशिश करते हैं तो प्रोसेसर पर दो नॉच होते हैं, दो कट होते हैं, एक और दो, ये दो कट है प्रोसेसर पे, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसे की नॉच भी कहते हैं या नॉच भी कहते हैं। एक नॉच को आपको ध्यान में रखना है प्रोसेसर के। सेकंड चीज़ है, जब आप मदरबोर्ड को देखेंगे, तो मदरबोर्ड पे आपको पीसी सीपीयू सॉकेट नज़र आ रहा है, ये सीपीयू सॉकेट जो है LG A775 है। मदरबोर्ड कौन सी कंपनी का है? मदरबोर्ड है गीगाबाइट कंपनी का। चिपसेट है इसका GA G41M Combo। G41 Combo मदरबोर्ड है गीगाबाइट का। अब किस मदरबोर्ड पे असेंबल कर रहे हैं? गीगाबाइट मदरबोर्ड पे असेंबल कर रहे हैं। चिपसेट है G41 Combo। कॉम्बो मतलब यहाँ पे दो टाइप के स्लॉट्स है फॉर रैम, दो टाइप के रैम आप अटैच कर सकते हो, DDR2 और DDR3 ये रैम इस पर अटैच कर सकते हो, इसलिए इसको कॉम्बो पर लग गया है। अब किस तरह से प्रोसेसर को सॉकेट में फिक्स करेंगे उसके डेमो देखने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है इसको कि किस तरह से ये प्रोसेसर को समझे, सॉकेट को समझे। सॉकेट पे ये दिख रहा है, ये हैंडल है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हैंडल है और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये कवर है जो फिक्स करता है प्रोसेसर को, फिक्स पकड़ता है, फिक्स करने के लिए इसको यूज़ करता है, टाइटली प्रोसेसर को फिक्स कर देता है। इसके बाद हम उसको किस तरह से खोलेंगे और किस तरह से अंदर इसको प्रोसेसर बिठाएंगे, उसकी टेक्निक ये है कि जो हैंडल आपको नज़र आ रहा है इसको आपको नीचे की तरफ प्रेस करना। एक बात और ध्यान में रखें कि चूंकि ये पुराना प्रोसेसर है, पुराना मदरबोर्ड है, तो इस पर इनिशियली एक कवर आपको नज़र नहीं आ रहा, कभी कभी ब्लैक कवर और किसी और कलर का कवर इस पर फिक्स होता है ताकि हमारी हाथ या कोई भी चीज़ प्रोसेसर पर जो सॉकेट है उसके पिन को टच ना करे। बट ये चूंकि पुराना मदरबोर्ड है, ऑलरेडी इसको असेंबल किया गया था, उसको डिसअसेंबल करने के बाद फिर से रीअसेंबल किया जा रहा है, तो वो कवर ऑलरेडी इस पर से निकाला हुआ है। अब आपको क्या करना है कि किस तरह से कवर को खोलेंगे वो टेक्निक आपको देखनी। पहले आप हैंडल को देख लें, ये हैंडल है, ये हैंडल आपको नीचे की तरफ प्रेस करना है, इस हैंडल को, नीचे की तरफ आपको प्रेस करना है, फिर लेफ्ट की तरफ पुल करना है और फिर इसे पुल करके उसको ऊपर की तरफ खोलना है। इस तरह से आपने ये हैंडल को ओपन किया। जैसे ही आपने हैंडल को ओपन किया आपका ये कवर जो है ऊपर जो सीपीयू को फिक्स पकड़ता है वो ओपन हो जाएगा। उसको उठाना बहुत ज़रूरी है, आप हाथ से भी उठा सकते हो या अगर हाथ से उठा नहीं पा रहे आप किसी वजह से तो इसको फिर
किसी स्क्रू ड्राइवर से या किसी पिन से उठाना जरूरी है। और इस आड़ा पन इस तरह से आड़ा पकड़ने से शायद नीचे गिर जाएगा, इसलिए आपको उसको स्ट्रेट कर दीजिए तो ये प्रॉपरली होल्ड करेगा। अब इसमें आपको सीपीयू बिठाना। अब सीपीयू बिठाने से पहले एक चीज़ पर गौर से आपको देखनी है इसकी तरफ कि यहाँ पे दो प्रोसेसर सॉकेट में दो की अलाइनमेंट्स है। ये आपको दो की अलाइनमेंट्स नज़र आ रही है, एक यहाँ पे की अलाइनमेंट है, ये एक की अलाइनमेंट को आप देख लीजिए, एक की अलाइनमेंट है और यहाँ पे एक की अलाइनमेंट है। ये दो की अलाइनमेंट से जो प्रोसेसर के नॉच में फिक्स बैठती है, प्रोसेसर टाइटली इसके ऊपर बैठा है। अभी प्रोसेसर को किस एंगल में बिठाया जाए उसके लिए यहाँ पे एक कॉर्नर कट है। जो प्रोसेसर पे एक मार होगा, जिस मार्क को देखने के बाद ऑटोमेटिकली आप प्रॉपरली प्रोसेसर को इस पर फिक्स कर सकते हो। आप इसको गौर से देख ले एक बार कि किस तरह से प्रोसेसर को फिक्स किया जाता है। ये दो की अलाइनमेंट्स है जो प्रोसेसर के अंदर जो नॉच थी उसमें ये फिक्स बैठती है। दूसरा, ये सॉकेट यहाँ पे कट है, प्रोसेसर पे एक मार्क होगा जो इस कट को मैच करेगा और इसके मुताबिक इस एंगल में प्रोसेसर को आपको फिक्स करना है। अब मैं प्रोसेसर को अपने हाथ में ले लेता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि ये दो नॉच है, अब देखिए दो नॉच है क्योंकि प्रोसेसर गिर गया। इसका फिर से इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से इसको होल्ड करते हैं, ठीक है। और ये हमारे हाथ में प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर की आपके दो नॉच दिख नज़र आ रहे हैं, आपको दो नॉच नज़र आ रही और वो अलाइनमेंट मार्क नज़र आ रहा है, यहाँ पे एंगल का मार्क नज़र आ रहा है। ये मार्क है अलाइनमेंट का जिससे हमको प्रॉपरली प्रोसेसर को देखेगी। ये एंगल हो गया। इस तरह से आपको इस प्रोसेसर को इस एंगल में रखना है। देखिए मैं आपको एक बार फिर से हम लोग कोशिश करते हैं, इस एंगल में आपको इसको रखना है, ठीक है, इस तरह से इसको फिक्स करना है। ये आपने प्रोसेसर को प्रॉपरली पकड़ा, होल्ड किया। प्रोसेसर को होल्ड करने के बाद आपने इस पर फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद इसको थोड़ा प्रेस करके फिर कवर को पैक कर दिया और पैक करने के बाद इसको लॉक कर दिया। इस तरह से आपने इसको प्रेस किया था, यूँ इसको प्रेस किया, इसको नीचे की तरफ प्रेस किया राइट, फिर वापस से लेफ्ट की तरफ होल्ड किया, नीचे प्रेस करके राइट की तरफ प्रेस करके उसको इस हुक में लॉक कर दिया। यहाँ पे एक छोटा सा हुक है इसमें ये लॉक होता है। ये आपका प्रोसेसर फिक्स हो गया, ये प्रोसेसर को आपने फिक्स कर दिया। इस तरह से आपका मदरबोर्ड का प्रोसेसर फिक्स हो गया। अब एक चीज़ जानने की, चूँकि पुराना मदरबोर्ड है तो इस पर ये हीट सिंक है, हीट सिंक ऐसे ख़त्म हो चुकी है। हीट सिंक बहुत ज़रूरी है प्रोसेसर पे लगाना, क्योंकि प्रोसेसर गर्म होता है, प्रोसेसर जब वार्म होता है तो मदरबोर्ड डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा है, इसीलिए हम कूलिंग फैन का भी यूज़ करते हैं। बट कूलिंग फैन के साथ साथ में डबल सेफ्टी के लिए हीट सिंक लगाना भी ज़रूरी। इस तरह इसको अपने खोल के इसको हीट सिंक लगाना ज़रूरी है। इस तरह से अपने हीट सिंक इस पर थोड़ी लगानी है। हीट सिंक अटैच करके फिर आपको इसके ऊपर इसी चीज़ से भी हीट सिंक लगा सकते हो। फिर हीट सिंक लगाने के बाद अब फैन किस तरह से मदरबोर्ड पे फिक्स करते हैं उसका डेमो देख लेते हैं। हमारे सामने ये फ़ैन है जो इंटेल प्रोसेसर के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इंटेल प्रोसेसर के लिए इस टाइप के फ़ैन यूज़ किए जाते हैं। इस फ़ैन में 4 legs है, 1, 2, 3 4 legs हैं। ऊपर ये फ़ैन है और ये हीट सिंक है, हीट को कंट्रोल करती है, समझे, हीट अब्जॉर्बर है जो हीट को कंट्रोल करता है। और ये चार लेग्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। अब इसको फिक्स करने से पहले इन लेग्स मदरबोर्ड पे किस तरह से फिक्स होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये मदरबोर्ड पे 4 holes आपको नज़र आ रहे हैं, 1, 2, 3 और 4, ये 4 holes आपको नज़र आ रहे हैं। इस होल में ये मदरबोर्ड फिक्स होता है। आप सबसे पहले 4 पाँव को देखिए, इसमें 2 white सॉकेट टाइप चीज़ें हैं और उसके अंदर ब्लैक पिन है, इसके अंदर ब्लैक पिन नज़र आ रही है आपको, इसके अंदर ब्लैक पिन नज़र आ रही है, ये होल नज़र आ रहे हैं, ये 4 white सॉकेट टाइप चीज़ नज़र आ रही है, इसमें ब्लैक पिन नज़र आ रही है, ये ब्लैक पिन नज़र आ रही है। ये ब्लैक पिन ऊपर की तरफ आती है इस तरह से और नीचे की तरफ इस तरह से होती है, ऊपर है नीचे है। अब जब आप मदरबोर्ड पे इसको फिक्स करते हो, ये ब्लैक पिन को जब आप मदरबोर्ड पे फिक्स करोगे तो ये ऊपर की तरफ होगी, लेकिन फिक्स करने से पहले आपको इसको नीचे की तरफ रखना है। और इसको ओपन और क्लोज होता है।
जब आपको मदरबोर्ड से प्रोसेसर को निकालना होता है तो आपको उसको लेफ्ट टर्न करना है, और जब लॉक करना है तो राइट टर्न करना है। प्रोसेसर से इसको निकालना है, मदरबोर्ड से उसको लेफ्ट टर्न करके उसको पुल करना है, और जब लॉक करना है तो इसको राइट टर्न करके प्रेस करना है। इस तरह से ये प्रेस हो जाएगा। फिर ओपन करना है तो इसको खोल के फिर से इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, और फिर लॉक करना है तो इसको राइट साइड में टर्न करेंगे, फिर से इसको इस तरह से मदरबोर्ड पे प्रेस किया जाएगा, तो ये प्रेस होके क्लोज होगा। तो फोन जब आप प्रोसेसर को बिठाओगे तो सबसे पहले कि लेफ्ट साइड में टर्न करके सारी चीज़ों को लेफ्ट साइड में टर्न करके वो ब्लैक जो पिन है उसको नीचे की तरफ ले लेंगे। आप ब्लैक पिन को नीचे की तरफ लेंगे केयरफुली। आप देखें कि सारी ब्लैक पिंस आपकी नीचे की तरफ होना ज़रूरी है। जब ब्लैक पिंस नीचे की तरफ आएगी उसके बाद यूँ प्रोसेसर को रख के मदरबोर्ड पे आपको बेसिकली इस तरह से उसके होल्स में लेग्स को प्रॉपरली देना है। देखिए प्रॉपरली इसको ऐसे कोशिश करेंगे प्रॉपरली होल्स करने के लिए थोड़ी, ठीक है। इस तरह से इसको बिठाने के बाद इसको आप प्रेस करो, इसको इस तरह से प्रेस कर दोगे तो ये प्रेस होके बंद हो जाएगा। कभी थोड़ा प्रेशर देके इसको प्रेस करना होता है प्रॉपरली। आप नीचे की तरफ जाके देखोगे तो ये लेग्स ऊपर की तरफ से आई हुई है, वाइट लेग्स में से ये चीज़ ब्लैक ऊपर की तरफ है। इसका मतलब प्रॉपरली आपका फैन प्रोसेसर पे फिक्स हो चुका है। फिर जब ये चीज़ फिक्स हो गई है आपकी, प्रोसेसर और फैन फिक्स हो गया, इसके बाद आपको जो पावर कनेक्टर है प्रोसेसर फैन का, जो मदरबोर्ड पे सीपीयू फैन के लेके कनेक्टर होगा, उसको सर्च करके प्रॉपरली उसके अलाइनमेंट के हिसाब से वहाँ पर भी प्रॉपर अलाइनमेंट होगा, प्रॉपर वे है उसको फिक करने का। ये प्रॉपर वे दिखाया गया है कि किस तरह से इस पे प्रोसेसर पे ये फैन मदरबोर्ड पे ये सॉकेट कनेक्ट होगा, और इसी लॉक में प्रॉपरली इसको कनेक्ट किया जाता है। तो इस तरह से आपने फ़ैन के सीपीयू फैन पे पावर कनेक्ट कर दिया, आपका बेसिकली पे मदरबोर्ड पे प्रोसेसर कनेक्ट हो गया, फ़ैन भी कनेक्ट हो गया। इसके बाद हम रैम किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, इसमें भी एक नॉच है, और ये नॉच की थोड़ी साइज़ ऊपर नीचे होते अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रैम। रैम के टाइप के हिसाब से वो नॉच ऊपर नीचे होते, अगर DDR2 है तो अलग होगी, थोड़ी ऊपर होगी या नीचे होगी, क्योंकि इन नॉच की वजह से वो सॉकेट में किसी और सॉकेट में रैम बैठेगी ना। अगर DDR2 है तो DDR2 के ही सॉकेट में वो बैठेगी, DDR3 तो DDR3 के ही सॉकेट में बैठेगी। जैसे कि आप यहाँ पे देखें की अलाइंस हैं, इधर भी की अलाइंस हैं जो अलाइन करने के लिए है, प्रॉपरली फिक्स करने के लिए ये मार्क्स दिए हुए हैं, फिक्स अलाइनमेंट्स की दिए हुए हैं, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी आपने देखा यहाँ पे। अब ऊपर की जो रैम है वो ऊपर का जो स्लॉट है वो DDR2 है जो ब्लू वाला है, और जो वाइट वाला है वो DDR3 स्लॉट है, तो दोनों की अलाइनमेंट की देखिए थोड़ा फ़र्क है। अब जब रैम को आप रखोगे इधर, इस जो रैम हमारे पास हैं, ये रैम जो हमारे पास हैं, ये रैम है DDR3, कौन सी रैम है DDR3, तो ये DDR2 पे फिक्स नहीं बैठेगी। ऐसे भी आप लगा के कोशिश कीजिए, यहाँ पे कट नहीं है बैठेगा, समझे, बट ये प्रॉपरली DDR3 पे ये रैम बैठेगी। अब रैम बिठाने से पहले आपको एक बात ध्यान में रखना है कि रैम के लॉक्स हैं, ये रैम के लॉक्स होते हैं, रैम सॉकेट्स के ये लॉक हैं, ये रैम सॉकेट के लॉक से ये पीछे की तरफ प्रेस करने हैं आपको और ओपन करने हैं, इस तरह से क्लोज हो जाते हैं, ये पीछे की तरफ ये प्रेस करके ओपन करने हैं। फिर रैम को प्रॉपर एंगल में इसको प्रॉपरली रैम के स्लॉट में रखना है इसको, और इसको यूँ प्रेस करके दबा देना है, इसको दोनों हाथ से प्रॉपरली प्रेशर दे के इसको प्रेस करना है। अब रैम को अगर खोलना है फिर से तो ये दोनों लॉक को अपोजिट डायरेक्शन में पुल कर दो, रैम ओपन हो जाएगी, रैम निकल जाएगी। फिर अगर रैम को रखना है तो सिर्फ आपको रैम प्रॉपरली लॉक सॉकेट पे फिट करके प्रॉपर रख के दोनों हाथों से दोनों थंब से उसको प्रेस करने की कोशिश करो, ऑटोमेटिकली ये दोनों लॉक्स लॉक हो जाएंगे, आपके रैम इस पर फिक्स हो गए। तो इस तरह से आपने तीन चीज़ें फिक्स कर दी, प्रोसेसर, फैन और अपने रैम को फिक्स किया। अब जो चौथी चीज़ है, हम जो देख रहे हैं जब टेस्ट करनी है हमको, बेसिक टेस्ट लेना है, तो हम कोशिश करेंगे कि किस तरह पावर को कनेक्ट करेंगे। अब हमारे पास पावर कनेक्ट करने के लिए जो पावर कनेक्टर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं आपके लिए, ये जो पावर कनेक्टर्स हैं ये है 24 पिन पावर कनेक्टर्स हैं हमारे पास, यहाँ पे आप देख लोगे 24 पिन पावर कनेक्टर्स हैं। अब ये 24 पिन जो पावर कनेक्टर है
ओके, इसके लिए आपको कोशिश करने की किस तरह से इसको प्रॉपरली अलाइन किया जाए, प्रॉपरली इसको किस तरह से अलाइन करेंगे प्रॉपरली। इसका भी लॉक है, हुक है इसका, जो लॉक करता है मदरबोर्ड के पावर कनेक्टर को। यहाँ पे आप मदरबोर्ड पे देखोगे तो उसको लॉक को पकड़ने के लिए ये हुक, ये सॉकेट दिया हुआ है, ये प्रॉपर नॉच दिया हुआ है जिससे आप इसको पकड़ें। अब चूँकि मैं जब इसको ऐसे रखूँगा प्रॉपर से लॉक को और इस पर प्रेस करूँ इस तरह से, इसको रख के आपको इसको जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे इसको लॉक को पकड़ लेगा। ये देखिए इसको प्रेस करने से ये आपका लॉक फिक्स बैठ गया। अगर आपको लॉक खोलना है, अभी इसको प्रोसेसर करना है, तो ये जो लॉक है इसको इस तरह से आपको ओपन करना है, ऊपर की तरफ पीछे की तरफ प्रेस करके इसको ओपन करना है और ये थोड़ी प्रेशर के साथ आपको खोलना होगा। ये इस तरह से निकलेगा, इस तरह से फिर आपको बिठाना है तो प्रॉपरली ये 24 पिन को आपको इसको रखना है और फिर इजीली इसको प्रेस करना है। इस तरह ये लॉक हो गया आपका। एक पावर कनेक्टर लगा है, इसके साथ में एक 4 पिन पावर कनेक्टर भी होता है, ये 4 पिन पावर कनेक्टर है। जो 4 पिन पावर कनेक्टर यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे कीबोर्ड की तरफ वो कनेक्शन आपको मिलेगा या कहीं सेंटर की तरफ कभी कभार होता है किसी मदरबोर्ड पे, सिर्फ सेम इसी के ऊपर भी ये लॉक आपको नजर आ रहा है और इसी को सेम एंगल में रख के आपको इसको इस तरह से प्रेस करना है। तो इस तरह से ये लॉक भी प्रेस, इस तरह से अपने मदरबोर्ड को प्रोसेसर से सीपीयू को भी अटैच कर लिया। अब ये आप देख रहे हैं ये इस तरह से आपने इसको अटैच कर लें। केयरफुल रहना कि जब वायर आप कनेक्ट करते हो प्रोसेसर में तो फ़ैन को टच ना करें, फ़ैन का प्रॉपर आपको वायर प्रॉपरली आपको फिक्स करनी ताकि वो किसी भी फ़ैन के अंदर इंटरप्ट ना करें, उसके लिए फ़ैन को इंटरप्ट ना करें। तो इस तरह से ये आपने क्या किया है, पीसी को असेंबल करने के मदरबोर्ड को इस तरह से चार चीज़ें असेंबल की। अब बेसिक टेस्ट देख सकते हो। टेस्ट देखने के लिए आपको सबसे पहले पावर कनेक्टर है हमारे पास, अब बेसिक टेस्ट देखना है आपको, तो यहाँ पे पावर कनेक्टर है और ये जो पावर कनेक्टर है यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ये पावर कनेक्टर आप जैसे ही प्रोसेसर में लगा के ये सीपीयू में लगा सॉरी एसएमपीएस में पावर कनेक्टर लगा के इसमें फिक्स कर दोगे, इसके बाद ये जो कनेक्टर है ये आपका सॉकेट में लगेगा, इलेक्ट्रिकल सॉकेट में लगेगा। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, टेस्ट देखना है, डिस्प्ले देखना है, तो आपको वीजीए कॉर्ड है, ये आपका वीजीए कॉर्ड है, ये वीजीए कॉर्ड चलेगा आपको मॉनिटर की तरफ, मॉनिटर को भी आपको पावर से कनेक्ट करना है और वीजीए कॉर्ड को मदरबोर्ड से कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको नज़र आएगा एक वीजीए कनेक्टर पीछे नज़र आएगा आपको, ये आपको नज़र आए वीजीए कनेक्टर। अब चूँकि ये वीजीए कनेक्टर है समझे, इस तरह से ये आपका वीजीए कनेक्टर आपको नज़र आ रहा है, ये वीजीए कनेक्टर है, ये वीजीए कनेक्टर को इस तरह से आपको इसमें फिक्स कर देना है, इसको लॉक करके सेम दूसरे डायरेक्शन में इसको अटैच कर देना, सेम पिन आपको मदरबोर्ड में भी सॉरी मॉनिटर में भी सेम अपोजिट पिन सेम टाइप की पिन अदर मदरबोर्ड पे भी इसको अटैच कर देंगे। तो इस तरह से अपने वीजीए कनेक्टर लगा रहे हैं और सेकेंड कॉर्नर जो है वीजीए कनेक्टर का ये आप मॉनिटर में लगाओगे और फिर आप डिस्प्ले देखोगे। आप डिस्प्ले देखने से पहले जिसको आपको ये ध्यान में रखना, ये सारी पिंस ये सारी वायर्स बीच में डिस्टर्ब ना कर रही, ये बहुत ज़रूरी है। जब आप कैबिनेट में इसको फिट करोगे तो चीज़ें प्रॉपरली आप सेट कर सकते हो, बट चूंकि हमारे पास जगह कम है और हम इसको ओपन स्पेस में देख रहे हैं तो थोड़ा आपको केयरफुली इसको देखना है। एक चीज़ मदरबोर्ड पर हमने ऑलरेडी लगा चुकी है वो ये है, अभी हमने प्रोसेसर अटैच किया, फ़ैन अटैच किया, रैम अटैच की, पावर कनेक्टर अटैच किया। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमको टेस्ट करना है कि मदरबोर्ड वर्क कर रहा है या नहीं, डिस्प्ले आता है या नहीं आता है। अब इसको टेस्ट करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पावर स्विच कहाँ पे है मदरबोर्ड पे, हमको फाइंड आउट करना है कि पावर स्विच, चूँकि ये मदरबोर्ड कैबिनेट में अटैच नहीं है, ये मदरबोर्ड कैबिनेट में अटैच नहीं है, तो हमको इसका कैबिनेट के स्विच इसको ऑन नहीं करेंगे बल्कि इसको शॉर्ट करके ऑन करने की कोशिश करेंगे, जो नॉर्मली एक अननोन यूज़र ने नहीं करना चाहिए, इमैच्योर यूज़र ने इसको ट्राई नहीं करना चाहिए, लेकिन हमको सिर्फ एक बेसिक चीज़ देखनी है इसलिए हम कोशिश। तो सबसे पहले हम लोग फ्रंट पैनल को देख लेते हैं कि मदरबोर्ड पे फ्रंट पैनल जो है उसको फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे ये फ्रंट पैनल है मदरबोर्ड पे, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये फ्रंट पैनल है और फ्रंट पैनल में
ये पिंस नज़र आ रही है, यहाँ पे टोटल 10 पिन है और यहाँ पे टोटल 8 पिन है। अब ये जो चार पिन जो नज़र आ रही है ये स्पीकर की पिन है, और यहाँ से दो पिन छोड़ने के बाद ये जो दो पिन नज़र आ रही है ये रिसेट की पिन है, ये जो दो पिन है ये एच डी लेट पिन है, और ये ऊपर की जो दो पिन है जो रिसेट के ऊपर दो पिन है वो पिन स्विच पिन है, ये स्विच पिन है। अब जब हम प्रोसेसर को स्टार्ट करेंगे, जब प्रोसेसर को ऑन करेंगे, इस पिन को जब हम लोग शॉर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल करंट के बाद, तो मदरबोर्ड ऑन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये पावर LED स्विच है, इससे पता चलता है कि हम लोग ने कैबिनेट को ऑन किया है करके। तो हम बेसिकली इस दो पिन को शॉर्ट करके कनेक्ट करके टेस्ट करेंगे कि हमारा प्रोसेसर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, मदरबोर्ड वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो पावर कनेक्शन को ऑन कर लेते हैं हम लोग और ट्राई करते हैं, पावर कनेक्शन को ऑन करके ट्राई करते हैं कि मदरबोर्ड का फैन ऑन है या नहीं। ये आप देख रहे हो कि किस तरह से मदरबोर्ड का फैन ऑन हो गया है, मतलब सारे कनेक्शन हमारे करेक्ट है। अब इसका डिस्प्ले देखना ज़रूरी है, हम जब नई मशीन असेंबल करेंगे उसमें क्लियरली हम लोग को डिस्प्ले भी देख लेंगे कि डिस्प्ले किस तरह से आएगा। बट यहाँ पे ये चीज़ अभी कनेक्ट हो गई है, हमने इसको ऑन किया, इसको चेक किया, पावर कनेक्ट किए, प्रॉपरली पावर फंक्शन कर रहे हैं। अब इसके बाद ये प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको बगैर मॉनिटर को कनेक्ट किए अगर हम लोग कोशिश करते हैं तो भी कोशिश कर सकते हैं कि जैसे हम लोग रैम को रिमूव करेंगे तो बीप आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से ये पीसी हमारा ऑन हो गया है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं कि किस तरह से दूसरे पार्ट्स अब मदरबोर्ड पे हम अटैच करेंगे। इसको अभी स्विच ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने इसको स्विच ऑफ किया, अब अदर पार्ट्स हम मदरबोर्ड पे किस तरह अटैच करेंगे उसके लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको पहले बाहर कनेक्ट कर लें। सबसे पहले हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं हार्ड डिस्क को, कि SATA हार्ड डिस्क को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे चार सॉकेट्स हैं, ये SATA के चार सॉकेट्स हैं, 0, 1, 2, 3। SATA 1, SATA 0, SATA 1, SATA 2, SATA 3 कनेक्टर्स हैं। हम SATA हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि SATA हार्ड डिस्क कैसे कनेक्ट की जाएगी। अब SATA हार्ड डिस्क कनेक्ट करने के लिए SATA हार्ड डिस्क में, किसी भी हार्ड डिस्क में दो कनेक्टर्स होते हैं, एक होता है पावर के लिए, यह पावर के लिए कनेक्शन है, और ये डेटा केबल के कनेक्ट। अब यहाँ पे गौर से आप मार्क कर देखिए, हार्ड डिस्क पे एक एल शेप है, ये शेप एल में नज़र आ रहा है आपको, यूँ है जाके यूँ एल शेप नज़र आ रहा है, ये एल शेप है, ये अपोजिट एल शेप नज़र आ रहा है। ये एल शेप से यहाँ पे तुमको एल सॉकेट, ये जो पिन को आप देखोगे इसमें आपको एल सॉकेट दिखेगा, एल सॉकेट दिखेगा, एल शेप में ओपन दिखेगा ये। अब जैसे ही आपको मदर की इसको अटैच करना है हार्ड डिस्क को, आपको इसको की को हमको अटैच करने, हम लोग दूसरी कॉर्ड ले लें, ये कॉर्ड ले लेते हैं। अब ये खासकर ये कॉर्ड ज़्यादा कंफर्टेबल लॉक के लिए ज़्यादा बेस्ट है, ज़्यादा ये बेस्ट है लॉक करने के लिए। तो आपको सामने ये पिन नज़र आ रहा है, इससे लॉक नज़र आएगा, और ये जो ये एल शेप नज़र आ रहा है ये प्रॉपरली एल शेप, आपको इसमें इस तरह से लगा के इसको प्रेस करना है। ये आपको आवाज़ से पता चला ये प्रॉपरली फिट होगी। अब इसके बाद आपको इस सॉकेट को या तो 0 में या 1 में या 2 में या 3 में लगाना, डिपेंडिंग कितनी हार्ड डिस्क आप लगा रहे हो, कितने ड्राइव्स आप लगा रहे हो। तो इस तरह से हम इसको अभी 0 में लगा देते हैं, इस तरह से इसको हम लोग, ये भी ध्यान में रखें कि इसमें भी सेम है, आपका एल शेप है, एल सॉकेट ओपन है, यहाँ पे एल शेप है, ये आपको नज़र आ रहा है एल शेप, यहाँ पे इसको हम लोग फिर से इसको लगा लेंगे। इस तरह से हमने हार्ड डिस्क को इसमें कनेक्ट कर लिया। अब सबसे बड़ी बात है, हार्ड डिस्क को पावर देना बहुत ज़रूरी है। अगेन ये एल शेप पावर है, यहाँ पे एल शेप पावर है। अब हम इसको एल शेप में, इसको हार्ड डिस्क में भी यूँ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एल शेप यहाँ पे यूँ कनेक्ट करेंगे, ये लग गया। इस तरह हार्ड डिस्क भी SMPS से पावर से कनेक्ट हो गई, डेटा कॉर्ड भी मदरबोर्ड से कनेक्ट हो गया। उसके बाद हमको इंस्टॉल करने के लिए या तो पेन ड्राइव से इंस्टॉल किया जा सकता है, या फिर DVD, इंटरनल DVD ड्राइव ज़रूरी है, एक्सटर्नल DVD ड्राइव ज़रूरी है। तो किस तरह से इंटरनल DVD को भी कनेक्ट करते हैं, हम वो भी दे रख सकते हैं। सेम प्रोसीजर है जो हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने का प्रोसीजर था, सेम चीज़ है। आपने दोनों, ये दोनों सेम पिन है और दोनों सेम, सिर्फ डिफरेंट कॉर्ड है, ये पहला वाला बेटर कॉर्ड था,
ये भी कॉर्ड है, वैसे में लूज ज़्यादा होता है, कभी कभी निकल भी जाता है ये टाइप के पिंस। तो आपको इसको भी सेम ऐसे ही कनेक्ट करना, इसे कनेक्ट कर लिया और फिर मैंने हमने इसको सेम एल शेप देख के इसको यूँ कनेक्ट कर लिया। इसको भी हमने सी डी ड्राइव को भी हमने पावर देना है, इस तरह से ये पावर दिया हमने इसको, तो सी डी ड्राइव भी कनेक्ट होगी। अभी आपकी हार्ड डिस्क भी कनेक्ट होगी, आपकी सी डी भी कनेक्ट हो गई, दो चीज़ें आपकी कनेक्ट हो गई। तो सी डी भी कनेक्ट हो गई, हार्ड डिस्क भी कनेक्ट होगी, आपको एक्चुअली पी सी आपका रेडी हो गया। अब ये सारी चीज़ें सारी की चीज़ें हमको कैबिनेट में अटैच करनी है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम इंटरनल सी डी ड्राइव को अटैच नहीं करके हम लोग एक्सटर्नली सी डी ड्राइव कनेक्ट करके पी सी को फॉर्मेट करते हैं, हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करते हैं और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को इसके ज़रिए इंस्टॉल करते हैं। तो एक्सटर्नली हार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है पीसी में तो उसके लिए डिफरेंट वेज है, बट बेटर एक कॉमन वे ओल्ड वे है जो सीडी के ज़रिए इंस्टॉल किया जाता है। अभी न्यू वेज भी है जिसमें यूएसबी से भी पेन ड्राइव से भी इंस्टॉल होता है, बट हम लोग सीडी ड्राइव से इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली ये एक नॉर्मल पीसी अपने आपके सामने देखा किस तरह से असेंबल हुआ ये पीसी और किस तरह से हमने सारे पार्ट्स को कनेक्ट किया। अब बिल्कुल इस सारी चीज़ों को हम कैबिनेट में कनेक्ट करेंगे और कैबिनेट में फिक्स करके इसको किस तरह से फिर मॉनिटर से कनेक्ट कर लेंगे और इसका डिस्प्ले देख लेंगे। बट बेटर है कि हम सारी चीज़ एक बार फिर नई पीसी पे देखेंगे, कम्प्लीटली न्यू पीसी पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे और कोशिश करेंगे कि बेटर वे में हम इसको समझ सकें। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक हार्ड डिस्क हमारे पास थी, हम उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये हार्ड डिस्क है, चूँकि इसके कनेक्टर्स अलग है, इसे बेसिकली आपको ओल्ड टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको रखा हुआ है। आप यहाँ पे भी एक कट देख रहे हैं, इसको अलाइनमेंट कट बोलते हैं। यहाँ पे ये अलाइनमेंट नॉच यहाँ पे भी है। अब जब इसको आप कनेक्ट करोगे, इसमें एक पुरानी टेक्नोलॉजी में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी, वो होती थी यहाँ पे पिन के नंबर्स। ये पिन के नंबर जो रेड पिन है, रेड के जरिए हमको पता चलता है ये पावर कनेक्टर है और ये आईडी डेटा कनेक्टर है। जब इसको सॉकेट में आप लगाओगे तो नॉर्मली आप देखोगे कि इस तरह से ये फिक्स होगा। उसके बाद इसका जो पावर कनेक्टर है वो थोड़ा डिफरेंट है, इसका पावर कनेक्टर थोड़ा डिफरेंट है, इस टाइप का पावर कनेक्टर है। इसमें रेड कलर की वायर है जो इस रेड के साइड में होनी चाहिए, सिंपल है। और वैसे भी लॉक वैसे लगती नहीं है पिन, बट इस तरह से रेड में इसको पिन को लगा के इसने अपने आप ने इसको लगा दिया। अब इसका जो हार्ड डिस्क सॉकेट है, जो हार्ड डिस्क यहाँ पर लगेगी वो डिफरेंट सॉकेट है, और यहाँ पर आप देख रहे होगे ये सॉकेट है। सेम यहाँ पर भी एक छोटा सा कट है और यहाँ पर भी एक कट है, इसको यूँ रख के आपने इसको प्रेस करना है तो अपने पुराने आईडी हार्ड डिस्क को भी कनेक्ट। बेसिकली ये पीसी को एक तरह से हमने कनेक्ट करके पीसी रेडी कर दिया, लेकिन ये ओपन है पीसी, क्लोज नहीं है, कैबिनेट में केस में ये नहीं है। तो ये इस तरह से सिर्फ पीसी को इस तरह से ही कनेक्ट किया जाता है। कई पहले मदरबोर्ड पे जो चार पार्ट से पहले मदरबोर्ड पे कनेक्ट किए जाते हैं, फिर मदरबोर्ड को कैबिनेट में अटैच करते हैं हम, उसके बाद हार्ड ड्राइव को कैबिनेट में अटैच करते हैं, सीडी ड्राइव को कैबिनेट में अटैच करते हैं, एसएमपीस को कैबिनेट में अटैच करते हैं और उसके बाद सारी चीज़ों को इंटरनली कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह से ये बेसिक पीसी असेंबलिंग डेमो आपका रेडी हो। लास्ट में और एक चीज़ हम समझ लेते हैं, चूँकि हम ये सोच रहे थे कि इस मदरबोर्ड को और अदर डिवाइसेस को कैबिनेट केस में कनेक्ट करने के बाद अदर जो कनेक्टर्स हैं वो हम देखेंगे, लेकिन अगर हम कोशिश करते कि सारे कनेक्टर्स को इसी तरह से इसी पोजीशन में किस तरह से कनेक्ट करें, समझना कम क्या केस में समझने से ज़्यादा इजी है केस के बाहर इसको समझना। अभी हमारे पास यहाँ पे काफ़ी कैबिनेट से निकलने वाले जो कनेक्टर्स हैं हमारे पास वो आपको नज़र आए, ये कनेक्टर्स हैं, सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे ये कनेक्टर है जिस ऑडियो कनेक्टर है, अब इसको देख ले, ये ऑडियो कनेक्टर है, यहाँ पे ये यूएसबी कनेक्टर है और यहाँ पे ये यूएसबी 2 और यूएसबी 3 दोनों कनेक्ट कनेक्टर कम्बाइन है। उसके बाद जिस मदरबोर्ड पे अगर फैसिलिटी है यूएसबी 3 की, इस मदरबोर्ड पे फैसिलिटी नहीं है यूएसबी 3 की, तो इस पर हमने कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये पावर स्विच है, इसके अलावा अब यहाँ पे ये आपका रिसेट स्विच है, इसके अलावा यहाँ पे एलईडी लेट कनेक्टर है, ये आपको जो नज़र आ रहा है दो पिन, और इसके बाद ये एचडी लेट कनेक्टर है। तो ये कनेक्टर किस तरह से अभी हम लोग इधर इस पर अटैच करेंगे वो बाहर ले एक्सटर्नली हम लोग अटैच करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं किस तरह से अटैच। क्योंकि यहाँ पे यूएसबी 3 का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है इस पीसी पे, इसलिए हम यूएसबी 3 को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो चूँकि आपको
दो ही कनेक्टर हमारे पास अवेलेबल हैं, यूएसबी 1 और यूएसबी 2 अवेलेबल है। तो किस तरह से इसको कनेक्ट करते हैं उसकी कोशिश करते हैं समझने की। अब सबसे पहले हम देखें कि किस तरह से इसको कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम ऑडियो पोर्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ये ऑडियो पोर्ट है, इस तरह से फ्रंट पैनल ऑडियो पोर्ट है ये, इसमें हम लोग ऑडियो को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा ऑडियो कनेक्टर है। अब यहाँ पे जो पिन है, टोटल 5+4 पिन है और एक पिन नहीं है यहाँ पे, ये ओपन नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए इसको प्रॉपरली ये फिक्सिंग के लिए अपने को इजी होता है। इस तरफ अगर देखोगे यहाँ पे एक पिन अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए ओपन पिन अवेलेबल नहीं है। इस तरह से इसको प्रॉपरली जहाँ पे पिन अवेलेबल नहीं है अब उसको उधर कनेक्ट कर दो। इस तरह से ये आपका कनेक्ट हो गया, आपने ऑडियो को कनेक्ट किया। अभी हम चलते हैं यूएसबी की तरफ कि किस तरह से यूएसबी कनेक्ट किए जाएंगे। चूँकि थोड़ा ये चीज़ कनेक्ट कंजेस्टेड है, यहाँ पे समझने के लिए हम इस कनेक्टर को हटा कोशिश करते हैं। ये कनेक्टर हटा के लास्ट में लगाएंगे कनेक्टर को, और फिर यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये पावर कनेक्टर से। ये दो यूएसबी कनेक्टर है, ये दो यूएसबी, फ्रंट यूएसबी 1 और फ्रंट यूएसबी 2 ये कनेक्टर्स हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास जो कनेक्टर है, यूएसबी 3 कनेक्टर है और यूएसबी 2 कनेक्टर है, इसको हम लोग फर्स्ट वाले में अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे पिन नहीं है, होल यहाँ पे नहीं है फिक्सिंग के लिए, यहाँ पे पिन अवेलेबल नहीं है। इस तरह से इसके सॉकेट में अपने यूएसबी पिन को इस तरह से कनेक्ट करना है। उसके बाद और एक हमारे पास यूएसबी कनेक्टर अवेलेबल है, जो यहाँ पे ये यूएसबी सेकंड के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से इसको भी अटैच कर देंगे। ये आपका यूएसबी भी कनेक्ट। अब रहा फ्रंट पैनल कनेक्टर के लिए, जो पिंस हमारे पास अवेलेबल है, जो पिन हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पावर स्विच का पिन आपको देखना है। पावर स्विच को ऑलरेडी हम लोग ने पावर को ऑन किया था, और ये पावर स्विच पिन को हम लोग इधर लगा देते हैं, ठीक है। ये पावर स्विच पिन को हमने इधर लगा दिया। इसके बाद यहाँ पे रिसेट स्विच है, बिल्कुल पावर स्विच के नीचे आपको रिसेट स्विच को लगाना है, बिल्कुल उसके नीचे ये रिसेट स्विच होता है, ये बिल्कुल रिसेट स्विच है ये आपका। इस तरह से अपने रिसेट स्विच को लगा दिया। उसके बिल्कुल बाजू में प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस है, बिल्कुल बाजू में यहाँ पे आपके पास ये है एचडी स्विच है, एचडी कनेक्टर है, उसको आपको इधर लगा देना है। एचडी कनेक्टर हो गया आपका। और फिर लास्ट में आपके पास एक पावर लेट कनेक्टर है, ये भी उसके ऊपर एक अवेलेबल है। दूसरी चीज़, पावर लेट आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। हम पीछे की तरफ इसको लगा देते हैं बिल्कुल, ठीक है। फाइनली अगर हमारे पास मदरबोर्ड पे स्पीकर अवेलेबल है, हमारा मदरबोर्ड पे स्पीकर वर्क कर रहा है, तो हम एक्सटर्नली आपको स्पीकर लगाने की हमको ज़रूरत नहीं है। बट अगर एक्सटर्नल स्पीकर लगाना चाहते हैं, तो ये एक्सटर्नल स्पीकर हमारे हाथ में, एक्सटर्नली हम इसको इधर से अटैच कर सकते हैं। इस तरह से चार पिन में इसको प्रॉपरली ऐसे अटैच कर दो, तो ये हो गया आपका पूरा कनेक्टर्स। कैबिनेट से सारे जितनी पिन ही आती है वो अपने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। तो ये भी हमने देख लिया, एक्सटर्नली ही देख लिया हम लोगों ने इसको, आउटसाइड कैबिनेट हम लोगों ने पूरे कनेक्ट कर रखी, पूरे कनेक्टर को किस तरह से कनेक्ट किया जाता है उसकी समझ देखी, उसको देखा है उसका डेमो। और इंशाल्लाह जैसे ही आप इसको कैबिनेट में अटैच करोगे तो आपको काफ़ी ईजी होगा इसको करने के लिए। अब चूंकि हम लोगों ने कैबिनेट को अटैच किया है, तो कैबिनेट के आगे के स्विच को अगर हम लोग प्रेस करते हैं, तो पीसी हमारा ऑन होना चाहिए, हमारा मदरबोर्ड ऑन होना चाहिए। हमने फाइनली कैबिनेट से सारे कनेक्टर्स अटैच कर दिए, कैबिनेट के सारे कनेक्टर यहाँ पे अटैच कर दिए हैं। और अब हम कोशिश करेंगे कि पीसी को किस तरह ऑन करें, पावर स्विच से ऑन करें, और कोशिश करेंगे जितनी भी लाइट्स है, जो लीड्स हैं, वो प्रॉपरली ऑन हो रही है या नहीं, वो देखने की कोशिश करेंगे। अब इसको फिर कंप्लीट हम लोग इस तरह से हम समझ सकते हैं कि पीसी हमारा कंप्लीट हो चुका है, बट नॉट इन द केस, गैस के अंदर ये नहीं है। इसको केस में इजीली फिर फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट, आपके सारे कनेक्टर्स आपको क्लियर हो चुके हैं। एक बार टेस्ट कर लेते हैं हम ऑन करके पीसी से ये वर्क कर रहा है या नहीं। जैसे हम पीसी को ऑन करेंगे, हमने स्पीकर लगाया है, जैसे ही बीप अगर आती है, एक से ज़्यादा बीप आती है, इसका मतलब हमारा फंक्शन, हमारा मदरबोर्ड प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। अगर एक बीप आती है तो इसका मतलब है हमारा मदरबोर्ड प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है।
ये एक बीप आई जिससे हमको पता चला कि मदरबोर्ड प्रॉपरली फंक्शन करता है। आगे इसके बारे में सीखेंगे कि बीप से किस तरह पता चलता है कि मदरबोर्ड प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी विदाउट डिस्प्ले देखे भी 99% पीसी का डिस्प्ले आ ही जाएगा मॉनिटर पे और हम प्रॉपरली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पीसी हमने कंप्लीट किया। यहाँ पे आपको ये लाइट नज़र आ रही है, एलईडी लाइट नज़र आ रही है। फिर से आप लोग देख लेते हैं इसको एक बार फिर किस तरह से लाइट ऑन होती है। ये लाइट ऑन होगी, ये कनेक्ट हो गया, पीसी ऑन हो गया। इस तरह से हमारा कंप्यूटर एक कंप्लीट असेंबल हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि हम किस तरह से हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करेंगे, किस तरह से इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे और उसके पहले किस तरह से सारे पार्ट्स को कैबिनेट में हम अटैच करेंगे। तो बेसिकली हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हम कैबिनेट में नए पीसी को अटैच करें और सारे नए पीसी पे हम किस तरह से कैबिनेट में अटैच होता है उसका सारा डिस्प्ले और एवरीथिंग हम लोग नए पीसी पे, नए बोर्ड पे, नए प्रोसेसर पे देखने की कोशिश करेंगे। बेसिक हमने पुराने ओल्ड मदरबोर्ड पे देखने की कोशिश की है ताकि आपको नए पीसी पे और इजी हो जाए इसको समझना। तो आई होप कि आपको ये पूरा डेमो समझ में आया है। कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप ईमेल के जरिए मुझको कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर आप अगर मेरे स्टूडेंट हो और यहाँ पे आते हो या आप नज़दीक में कहीं रह रहे हो तो आपके डायरेक्ट आके भी सेंटर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। सो आई होप अगेन कि आपको डेमो क्लियर हो गया। आप कोशिश करें कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें।